आपका करियर एकेडमी के YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको सीटेट के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि सीटेट का एग्जाम जो है अब के साल जो है थोड़ा लेट हो गया है और उम्मीद है कि मार्च और अप्रैल में इसकी उम्मीद है कि आ जाएगा। तो मैं सीटेट के बारे में आपको बेसिक चीजें बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि सीटेट का जो एग्जाम है, सीटेट यानी सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो सीटेट जो है एक ऑल इंडिया में अखिल भारत में एक टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता, यहाँ ऑफलाइन टेस्ट होता है। तो एक नेशनल लेवल का टेस्ट है। तो नेशनल लेवल के टेस्ट में क्या होता है, टीचर्स के लिए उनकी एलिजिबिलिटी सेट की जाती है कि एक अच्छा टीचर जो है एक बेसिक जो क्वालिफिकेशन रखता है उस क्वालिफिकेशन को चेक करने के लिए एक ऑल इंडिया टेस्ट होता है जिसको सीटेट कह देते हैं। तो नॉर्मली सेंट्रल लेवल में सीटेट है, अगर किसी स्टेट का आता है तो स्टेट में होगा स्टेट, यानी स्टेट के नाम से स्टेट हो जाता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। जैसे हरियाणा में एसटेट हो गया, यूपी में यूपी टेट हो गया और पंजाब में पी टेट हो गया। तो यानी स्टेट वाइज जो है स्टेट लेवल के टेस्ट जो है स्टेट माने जाते हैं और नेशनल लेवल में टेस्ट होता है आपका सीटेट। तो जैसे कि आपको पता है कि सीटेट में हमारे पास दो ही कैटेगरी होती है, प्राइमरी लेवल के लिए और टीजीटी टीचर के लिए। प्राइमरी में पीआरटी आएगा और मिडिल स्कूल के लिए आता है टीजीटी। तो मिडिल के लिए आ गई हमारी टीजीटी, यानी 6 to 8 में टीजीटी और 1 to 5 में आएगी हमारी पीआरटी। तो दो लेवल होते हैं, इसमें पीजीटी का लेवल जो है, जो पीजीटी है वो लेवल नहीं होता। तो इसमें पीजीटी यानी जो 9th के बाद या 10th के बाद के जो टीचर होते हैं उनका कोई लेवल नहीं है, ये स्टेट में होता है। स्टेट में पीजीटी टीचर के लिए वैकेंसीज या उनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट अलग से कंडक्ट होता है। तो इसमें दो ही लेवल होंगे, प्राइमरी और टीजीटी। तो इन दोनों लेवल के लिए नॉर्मली क्वालिफिकेशन जो है 50% के साथ जेबीटी और इसमें 50% के साथ बीएड। यहां पर ग्रेजुएशन है और यहां पर प्लस टू है, यानी प्राइमरी टीचर जेबीटी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं होगी और अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो आपको बीएड करना पड़ेगा 50% के साथ। तो यहां पर ग्रेजुएशन है, इसके अलावा अगर कैटेगरी वाइज इसमें 5% की छूट होती है, ठीक है जी। तो प्राइमरी टीचर में क्या होता है, आपको 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, यहां भी 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है जी। तो 150 में से 90 मार्क्स जो है स्कोर करने होते हैं, तो पासिंग मार्क्स जो है 90 मार्क्स होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, 150 का 60% नॉर्मली काउंट होता है। अगर कैटेगरी आती है जैसे ओबीसी कैटेगरी में क्या होता है, इसमें 87 मार्क्स और अगर एससी है या एसटी है तो 83 मार्क्स। तो ये जो है पासिंग मार्क्स होते हैं जो सीटेट में होते हैं। कई बार पेपर टफ हो जाता है तो कुछ मार्क्स जो है इसमें से डाउन भी हो सकते हैं। तो ये जो है नॉर्मली जो सीटेट हमारा बोर्ड है सीबीएसई के अंडर में वो डिसाइड करता है कि फाइनल मेरिट क्या रहेगी। तो इनमें जैसे 150 मार्क्स में पीआरटी में क्या होता है, आपके पास 150 मार्क्स में से 30 मार्क्स की सीडी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी आएगी, 30 मार्क्स की लैंग्वेज वन है, लैंग्वेज वन में हिंदी हो सकती है इंग्लिश हो सकती है, 30 मार्क्स में लैंग्वेज टू है आपकी, ठीक है जी, और फिर 30 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स है और 30 मार्क्स में ईवीएस। तो टोटल 150 मार्क्स होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें 90 स्कोर करने पड़ते हैं नॉर्मली। और अगर आप टीजीटी टीचर के लिए देखो तो टीजीटी में क्या होता है, इसमें 150 में से आपको 30 मार्क्स में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी आएगी, 30 मार्क्स की इंग्लिश और 30 मार्क्स की हिंदी या लैंग्वेज वन या लैंग्वेज टू हो सकती है। इसके अलावा 60 मार्क्स में इसमें एसएस सोशल स्टडीज आती है 60 मार्क्स में, और अगर आपके पास एसएस नहीं है तो आप मैथ और साइंस, तो मैथ साइंस में भी आपके पास 60 मैथ हो गया और साइंस। तो यानी इसमें दो कैटेगरी होती है, सोशल स्टडीज के टीचर के लिए एसएस टीचर होता है और मैथ साइंस का टीचर है। तो 60 मार्क्स में एसएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आती है और मैथ साइंस में दो ही सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स और साइंस, ठीक है जी। तो ये हमारा पेपर पैटर्न होता है दो एग्जाम के लिए। आमतौर पर क्या होता है, सीटेट का एग्जाम जो है, जो अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आपकी जो वैलिडिटी होती है वो 7 years होती है, 7 साल की आपकी वैलिडिटी होती है इसमें, आपके एग्जाम की वैलिडिटी 7 years है। इसके साथ में क्या होता है, आप सीटेट सर्टिफिकेट को, जो इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, तो उस सर्टिफिकेट को आप ऑल इंडिया में अखिल भारत में
कोई भी टीचर की वैकेंसी आती है, जैसे केवीएस के स्कूल्स होते हैं, नवोदय के, नवोदय हो गया, या आर्मी स्कूल्स होते हैं, केवीएस स्कूल हो गए, ठीक है जी। इसके अलावा एनसीईआरटी की कोई भी पोस्ट आती है या कोई और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल इंडिया में है, उनके लिए तो चलता ही है, ठीक है जी, उनके लिए सर्टिफिकेट जो है वैलिड होता है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल में भी आजकल सीटेट के सर्टिफिकेट की वैल्यू या वैलिडिटी ज्यादा काउंट होती है, तो सीटेट की वैल्यू जो है स्टेट लेवल के एग्जाम से ज्यादा प्रेफरेंस होती है, क्योंकि ऑल इंडिया में आप कहीं भी एग्जाम फिल कर सकते हो। स्टेट का फायदा यह है, अगर आप स्टेट लेवल का पास करते हो तो उसमें आपको स्टेट में अपनी जो पोस्ट भरनी होगी स्टेट लेवल में वैलिड होगी वो, ठीक है जी, और उसका प्राइवेट में या केवी नेशनल लेवल के किसी स्कूल एग्जाम में उसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है जी। तो सीटेट का एग्जाम जो है स्ट्रक्चरली बता देता हूं, सीटेट के एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ होता है एक लेवल में अगर देखा जाए तो, रीडिंग लेवल जो है इसमें काफी चलता है, क्वेश्चन काफी लंबे होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग पेडागॉजी जो है, जो लर्निंग पेडागॉजी है, उसका रोल काफी ज्यादा होता है। तो टोटल 150 मार्क्स में से हर सब्जेक्ट में हाफ क्वेश्चन जो है पेडागॉजी के होते हैं, शिक्षण शास्त्र के होते हैं, कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे आपको एक अच्छी टीचिंग करनी है। तो आमतौर पे सीटेट का एग्जाम इसलिए टफ माना जाता है क्योंकि इसमें पेडागॉजी के क्वेश्चन जो है केस स्टडी बेस्ड होते हैं, जिसमें काफी सारी केस स्टडी होती है, बच्चों के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है, टीचर एप्टीट्यूड या टीचिंग का जो एप्टीट्यूड है उसको चेक करने के लिए टीचर को केस स्टडी दी जाती है, ठीक है जी, क्वेश्चन वैसे ही बनाए जाते हैं। तो आमतौर पर सीटेट का एग्जाम जो है नॉर्मल स्टेट लेवल के एग्जाम से टफ होता है। स्टेट लेवल के एग्जाम में क्या होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, उसमें थिंकर्स हो गए या जो अपना थ्योरीज हैं उनके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है जी। तो नॉर्मली इसमें कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होते हैं, उसमें फैक्चुअल ज्यादा होते हैं। तो स्टेट लेवल में क्या होता है, आपको फैक्ट इकट्ठे करने हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं, स्टेटमेंट है उनके, तो उसके बारे में ज्यादा नॉलेज लेनी पड़ती है। इसमें कॉन्सेप्ट आते हैं, थ्योरी का क्वेश्चन जो है नॉर्मल 3-4 क्वेश्चन जो है थ्योरी के होते हैं, और थ्योरी में भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वाइगोट्स्की है, पियाजे है, आदि आदि की कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज होती हैं, जिसमें स्टेटमेंट को वैलिड करना होता है कि कौन सा राइट है या कौन सा रॉन्ग है, ठीक है जी। तो स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल जो है एग्जाम थोड़ा टफ जरूर है, बट आप अगर इस पे 3-4 महीने देते हो तो ये जो है एग्जाम पास होने के चांस रहते हैं। इसमें नॉर्मली स्टडी के साथ साथ आपको एक डिसीजन मेकिंग करनी होती है, चिल्ड्रन को या बच्चे को कैसे बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हो आप, उसका एप्टीट्यूड आपको विकसित करना होता है, और क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं आपको, क्वेश्चन अटेम्प्ट भी वैसे ही करने हैं कि एक अच्छा टीचर जो है किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाता है, और एक अच्छा बच्चा कैसे पढ़ाई करता है, कितने बेहतर तरीके से वो सीख पाता है, ये चीजें हमें नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चनों में पूछी जाती हैं। तो सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप अपना एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो लर्निंग मेथड्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, वो काफी हेल्प करते हैं। तो मैंने इस क्लास में आपको सीटेट के बारे में बताने का प्रयास किया, तो नेक्स्ट में जब सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा तो उसके आगे फिर मैं आपको और लेक्चर में उसको डिफाइन करने का और प्रयास करूंगा। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।